तो गाइस ये देखो, अभी सुबह के बज चुके हैं 7:16। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं जाने वाला हूँ छपरा, और वो भी बाई ट्रेन। भगवान कसम, इधर ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ। अभी देखो, अब इधर बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम प्लान किया कि बाइक से ना जाने का, क्योंकि बाइक में ड्राइव कर नहीं पाऊँगा इतनी ठंड में। अभी हम ट्रेन से जाने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन हो गया मुझे ट्रेन में बैठे हुए। तो अभी ट्रेन का कुछ मज़ा लेते हैं, और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ छपरा का टूर। तो ब्लॉग में बने रहना। सो गाइस, ये रहा पीछे टिकट काउंटर, अभी इधर से टिकट लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। सो अभी हमने टिकट ले लिया, और ये देखो सामने का मैं ट्रैक दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो सामने एक और बंदा आ चुका है। अभी ट्रेन आती है तो फिर हम उसमें बैठेंगे और फिर निकलते हैं छपरा के लिए। सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 7:30 और ट्रेन अपने टाइम पे आ चुकी है। एंड गाइस, ये सोनपुर टू छपरा का लोकल ट्रेन है। अभी हम लोग ट्रेन में एंटर कर चुके हैं। अभी निकलते हैं, अभी पहुंचते हैं छपरा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो एंजॉय करो। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं छपरा कचहरी, ये देख सकते हो आप सामने का व्यू। अभी इधर से निकलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। हे गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम छपरा जंक्शन। आप देख सकते हो इधर का क्राउड, ये देखो कुछ व्यू इधर का, और मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांधी चौक। ये देखो, इधर सामने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना गंदा रास्ता है इधर का, और भाई साहब हमारे जूते वूते सब खराब हो जाएंगे, तो कुछ सोचते इसके बारे में। गाइस, इधर रोड के साइड में दुकान बने हुए हैं, उधर ही कोई पतला सा रास्ता है। हम लोग उधर से जा रहे हैं अभी। ये देखो सामने, ये देखो इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड का। अभी इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम है। ये देखो कितना पतला रास्ता है इधर, ये देखो इतना पतला रास्ता से जाने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और स्पेशली बारिश के दिनों में ये देखो रास्ते का हाल। ये देखो गाइस, थोड़ी दूर पे फिर से कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इधर, और ये देखो कितना पतला रास्ता है, बाइक तक जाने की जगह नहीं है। ये देखो इधर का हाल देखो, ये देखो इधर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है रोड का, और ये तब तक के लिए एक पतला सा ब्रिज टाइप बनाया हुआ है ताकि लोग इस पे जा सके और उन्हें जाने में थोड़ी बहुत आसानी हो। ये देखो शूज का हाल पूरा, और ये देखो सामने जेसीबी लगी हुई है। जेसीबी की खुदाई किस किस को देखनी है कमेंट करके बताओ। ए भाई, ए तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? तो गाइस, सुबह कॉलेज से टीचर का कॉल आया था कि आकर मिल लेने को। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले कॉलेज, उधर कुछ पेपर का वर्क है उसको खत्म करते हैं। और देख लो ये रास्ता है, मतलब बारिश की वजह से पूरा पूरा कीचड़ हो गया। ये देखो सामने, और वो देखो सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गाइस, अभी कॉलेज पहुंचते हैं और उधर पेपर का वर्क जो भी है उसको खत्म करते हैं और फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये देखो छपरा स्मार्ट सिटी बनाने का प्लानिंग अभी चल रहा है, तो अभी ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तब तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा इधर का पूरा एरिया।
सो गाइज अभी कॉलेज पहुंच चुके हैं, तो इधर टीचर से मिलते हैं और पेपर का जो भी काम है उसको कंप्लीट करते हैं और फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज अंदर से कुछ हद तक कॉलेज ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा गंदा था, मैंने जैसे कि बोला भी कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से गंदा हुआ पर है। सो अंदर बहुत हद तक ठीक है, इधर पेड़ वगैरह सब लगे हुए हैं, पूरी हरियाली हरियाली है। सो अभी टीचर से मिलते हैं और बात करते हैं फिर। भाई साहब की घड़ी टूट गई, कैसा फील हो रहा आपको? बहुत 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 गंदा यार, मॉर्निंग में आता है इसमें फोन भी टूट गया तो फिर जरा अपना फोन दिखाइएगा। ये देखो गाइस बंदे का फोन टूट गया, ट्रेन में आते वक्त फोन गिर गया इसके हाथ से। चलो कोई नहीं, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो अभी हम लोगों ने टीचर से मिल लिया, बात वगैरह भी सब कुछ हो गया, अभी फिर से वही रास्ते से जाते हैं। ये देखो छोटा हावड़ा ब्रिज, ये देखो इमरजेंसी सेवा के लिए छोटा हावड़ा ब्रिज। भाई यो क्या हो रहा है इधर? इधर तो मर्डर हो रहा है, मर्डर मर्डर। ये गलत जगह पे ला दिया भाई तूने मेरे को। गाइस इन लोगों ने बहुत ही गलत जगह पे ला दिया मेरे को, इतना गंदा एरिया भाई। सो गाइस अभी इधर से निकलते हैं, दूसरे लोकेशन पे जाते हैं और फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि इधर बहुत ही ज्यादा खींचकाच है, बहुत ही ज्यादा गंदा है इधर का एरिया। क्या ये देखो हम लोग सामने रास्ते से जा रहे थे, तो अभी हमें कुछ बंदर दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी दिखा दूं। देख लिया ना बंदर, हो गए खुश? अब चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बढ़िया था गुरु। सो गाइस ये आप पीछे देख सकते हो, ये सारा ढाला का ब्रिज है। ये देखो ये छपड़ा का ब्रिज है, बहुत ही फेमस ब्रिज है। भाई सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और अभी थोड़ा सा धूप हुआ जिसकी वजह से गर्मी बढ़ चुकी है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंट भी है। तो अब ये देखो ये पूरा छपड़ा का एरिया, सामने में रेलवे ट्रैक, मज़ा आया। देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो। सो गाइस जैसे कि मैंने बोला था, आज मैं पूरा डे ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ, आज ना तो कोई बाइक होगी और ना ही कोई बस होगी। सो अभी एक ट्रेन आने वाली है, वो भी छपड़ा जंक्शन से, तो अभी हम लोग उस ट्रेन को मिस नहीं कर सकते क्योंकि हमें घर पे भी कुछ काम है, तो कोई काम मिस ना हो और सब कुछ मैनेज होकर चले। तो अभी चलते हैं छपड़ा जंक्शन, और अभी तो फिलहाल हम लोग छपड़ा कचहरी में बैठता हूँ। ये रहा छपड़ा कचहरी का कुछ व्यू, और इधर से एक ट्रेन खुल चुकी है जो कि हम लोगों ने मिस कर दिया, तो अभी ट्रेन के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डायरेक्ट छपड़ा जंक्शन। आज समझो कि आज हमारा चैलेंज है, आज ना तो हम बस में जाएंगे, ना ही बाइक में जाएंगे, ना ही कैब वगैरह, कुछ नहीं, आज हमें ट्रैवल करना वो भी ट्रेन से ही करना है। सो अभी आज मज़ा आया ट्रेन से ट्रैवल करके, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन से। सो गाइस अभी हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। सो गाइज अभी हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से और फाइनली बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। होप सो कि ब्लॉग अच्छा लगा हो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय बाय।